हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। कुछ एक छुटपुट क्वेश्चंस थे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको दिए थे ऑफलाइन में, तो उनके सॉल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो सॉल्यूशन नोट्स मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो है, स्थिर विद्युत परिरक्षण से आप क्या समझते हैं, है ना? स्थिर विद्युत परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या होता है ये समझें, गौर से सुनिएगा। केवल आप ही बताइएगा, आप सब जानते हो मैंने ये प्रश्न कराया है आपको। आप किसी कार से जा रहे हैं और अचानक बिजली गिरने वाली हो, तो सुरक्षित बचने के लिए क्या करेंगे आप? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, आप कार में ही बैठे रहेंगे, क्योंकि कार में बैठे रहने से क्या होगा, जो बिजली गिरेगी, बिजली क्या है, आवेश है। वो आवेश जब गिरेगा तो क्या होगा, कार के बाहरी पृष्ठ पर बच जाएगा, अंदर कोई आवेश नहीं जाएगा। अंदर कोई आवेश नहीं जाएगा तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यानी मैंने कार के अंदर का जो क्षेत्र है उसे बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचा लिया। इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत परिरक्षण। किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष यंत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए हम लोग इस विधि का उपयोग करते हैं। क्लियर? यानी स्थिर विद्युत परिरक्षण एक ऐसी विधि है जिसके जरिए हम किसी वस्तु या किसी विशेष जगह या किसी विद्युत संयंत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचा लेते हैं। क्लियर है? इसका उदाहरण ये हो गया कि कार में कोई आदमी बैठा है तो बिजली गिरेगी तो उसके पृष्ठ पर ही बचेगी, अंदर नहीं जाएगी, यानी अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो ये कुछ और नहीं है स्थिर विद्युत परिरक्षण। क्लियर है? और सुनिए, जैसे कोई चालक है, ये चालक है ना, धातु का एक चालक है, ये चालक की मोटाई है। क्लियर? ये चालक की मोटाई है। अब इसके अंदर जो खाली जगह है, तो यहाँ पर अंदर, यानी ये जो अंदर खाली जगह है ना, इस खाली जगह को हम लोग हिंदी में गुहिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुहिका। क्लियर? तो ये पूरा चालक हो गया धात्विक चालक, धात्विक चालक के अंदर ये गुहिका हो गई, तो गुहिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो इसे स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। अगर हम इसके अंदर कोई भी सामान रखेंगे, कोई भी संयंत्र रखेंगे, अगर हम चाहते हैं कि उस संयंत्र पर बाहरी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ना पड़े, तो हम इसे गुहिका के अंदर रख देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो भी आवेश वगैरह आएगा तो वो केवल इसके पृष्ठ पर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग, है ना? आपको याद है ना, ये वही चीज़ है, गोला चैप्टर वन में लास्ट में मैंने कराया, याद हो, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब अंदर मैंने निकलवाई थी तो बताया था कि आवेश केवल पृष्ठ पर ही रहता है, अंदर नहीं जाता, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य आई थी हमारी, याद आ रहा है? वही चीज़ है। क्लियर है? तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन अगर किसी ने पूछा स्थिर विद्युत परिरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो हमें केवल इतना समझना है किसी भी जगह या किसी भी संयंत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग, है ना? परिभाषा पढ़ लो और इसके बाद का नोट भी पढ़ लो, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उम्मीद करता हूँ पढ़ लिया होगा सभी ने। इसके बाद हमारे सामने बेटा अगला क्वेश्चन है परावैद्युत सामर्थ्य। क्या? परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत पदार्थ पढ़े थे अगर आपको याद हो तो, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, है ना? एक प्रकार के कुचालक पदार्थ होते हैं ये, है ना? अब परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे ये बंदा है, इसकी सामर्थ्य 5 झापड़ की है, यानी 5, 2 झापड़ दिए, 3 झापड़ दिए, ये खड़ा रहेगा, टिका रहेगा, लेकिन 5 झापड़ वो अधिकतम झापड़ है जिसको ये सहन कर सकता है। इसके बाद 6वां झापड़ दे दिया तो ये गिर जाएगा। तो इसकी सामर्थ्य कितनी हुई, झापड़ सामर्थ्य कितनी हुई इसकी, 5 झापड़। क्लियर? 5 झापड़ वो अधिकतम झापड़ है जिसको ये सहन कर सकता है, उससे ज़्यादा झापड़ दे दिए तो ये गिर जाएगा। समझ गए मेरी बात को? इसी तरीके से अब आप समझें इसको, जैसे हमने पढ़ा था ये विद्युत क्षेत्र है, एक बाहरी विद्युत क्षेत्र है। अब हमने, अगर कोई चालक पदार्थ होता, चालक पदार्थ, तो चालक पदार्थों में आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन होते थे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करने लगते थे जिसकी वजह से उनके अंदर धारा बहने लगती थी, राइट? लेकिन हम बात कर रहे हैं कुचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ, वे अगर ये कोई परावैद्युत पदार्थ होता तो परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता,
हालांकि ठीक है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है लेकिन ना के बराबर होती है, इस वजह से उसमें धारा लगभग ना के बराबर होती है ना। अब मैंने यहां पर विद्युत क्षेत्र लगाया जिसकी तीव्रता एक है, अब अगर 1 न्यूटन पर कूलाम है तो मैंने देखा इसके अंदर कोई विद्युत प्रवाह नहीं हो रहा है, क्लियर, यानी इसके अंदर परावैद्युत का गुण बना हुआ है। 2 लगाया तो 2 पे भी नहीं हुआ, 3 लगाया तो 3 पे भी नहीं हुआ, और जैसे ही मैंने 5 न्यूटन लगाया तो 5 पे भी नहीं हुआ, 5 से जैसे ही ज़्यादा किया तो इसके अंदर विद्युत का प्रवाह होने लगा, यानी अपने ये परावैद्युतता के गुण को इसने क्या कर दिया, खो दिया। तो इसकी परावैद्युत सामर्थ्य कितनी रही, 5। परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब ये हुआ कि किसी भी परावैद्युत पदार्थ पर लगाया गया अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसको वो बिना भंजन हुए सहन कर सकता है। बिना भंजन हुए का मतलब ये है कि बिना चालक बने हुए, बिना धारा प्रवाह रह सकता है, समझ में आ रही है, मतलब जितना अधिकतम विद्युत क्षेत्र वो सहन कर सकता है, क्लियर है, उसको हम लोग बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य, क्लियर है। कोई भी परावैद्युत पदार्थ जितना अधिकतम विद्युत क्षेत्र बिना भंजन हुए सहन कर सकता है उसे हम उस पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, फटाफट पढ़ लें फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सभी ने पढ़ लिया होगा। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, आवेश से आप क्या समझते हैं तथा इसके गुण बताइए। भैया आवेश की अगर हम बात करें तो कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणु से मिलकर बना हुआ होता है, अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणु को भी मैं चकनाचूर कर दूं बिल्कुल तो उसमें क्या मिलेंगे मुझे, आवेश मिलेंगे, है ना। तो आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम रूप, सबसे मूल गुण, यानी उसका जड़ क्या है, आवेश, क्लियर। तो कोई भी पूछे आवेश क्या होता है, तो आवेश किसी भी पदार्थ का एक मूल गुण होता है, क्लियर है। मतलब कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, उसका मूल तत्व तो क्या है, आवेश, क्लियर। हमारे शरीर का मूल तत्व क्या है, ऊर्जा, आत्मा, ऊर्जा, आत्मा को ऊर्जा बोलते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा है, क्लियर, समझ रहे ना मेरी बात को, क्लियर है। तो कोई अगर हमसे पूछता है कि आवेश से आप क्या समझते हैं, तो आवेश किसी पदार्थ का एक मूल गुण होता है, क्लियर। कोई आवेश की परिभाषा पूछता है तो आवेश किसी भी पदार्थ का एक मूल गुण होता है। फिर कह रहा है आवेशों के गुण बताइए, तो ये तो आप अच्छे से जानते ही है, आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ा था आपने, है ना, प्रकृति में आवेश सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है ना। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, आवेश सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। दूसरा हमने पढ़ा था, समान आवेश सदैव प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पता है हमको, है ना, और आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। बोले भैया सही बोल रहा हूँ ना, आवेश एक अधिस राशि है, तो ये सब आवेशों के गुण हो गए। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग, पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का हो गया होगा। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके पास स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, चैप्टर 2 में मिलेगा आपको। तो भैया पहले बता दूं, ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ, आप करें तो ठीक, नहीं करें तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, पर 100 में से 100 चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। बाकी का प्रश्न समझें, लेकिन इस प्रश्न को वही बंदे करें जिन्होंने ये 2 प्रश्न कर लिए हैं जो मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं को समझ में आएगा। कौन कौन से प्रश्न आपने, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव पढ़ा था ना अपने, याद दिला रहा हूँ, जैसे अपन ये विद्युत द्विध्रुव बनाते थे, -Q+Q, है ना, ये मध्य बिंदु है, ये बिंदु की r दूरी पर अच्छी स्थिति में हमने विद्युत विभव निकाला था, हमारा सूत्र आया था V=1/4π0kP/r², और यही बिंदु अगर यहाँ होता निरच्छी स्थिति में r दूरी पर, तो हमने इस बिंदु पर विद्युत विभव निकाला था, 0 आया था, राइट। सूत्र कंठस्थ याद है, जिन लोगों को अच्छी निरच्छी क्लियर हो वही अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न करे जो मैं बता रहा हूँ, अन्यथा ना करे, क्लियर, क्योंकि अच्छी निरच्छी क्लियर नहीं होंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विभव और निरच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। अब किसी ने बोल दिया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विभव बताओ, या विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विभव बताओ, या इस बिंदु पर बताओ, तो बिंदु तो कहीं भी मान सकते हैं। तो अब मैं जो तरीका बता रहा हूं उसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो वो हम लोग निकालना सीख रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि इसको सीखें आप इस बात को समझें थोड़ा सा, उसके बाद सवाल पे आएंगे। जैसे -Q+Q हमने पढ़ा है, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ये ऋण है ये धन है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर होगी,
यानी किसी भी जगह अगर द्विध्रुव आघूर्ण आ रहा है तो इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं द्विध्रुव है। इस पी द्विध्रुव आघूर्ण की वजह से इस बिंदु पर विभव पड़ा हमने 1/4π0 के पी अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये पी की बजाय पी कॉस थीटा होता तो इस सूत्र को हम लिखते 1/4π0 के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मान के चलो कोई विद्युत द्विध्रुव ऐसे होता -q+q और बिंदु यहाँ होता तो ये भी तो अच्छी स्थिति है, ये मध्य बिंदु हो गया, ये दूरी r हो गई, ये भी तो अच्छी स्थिति है। तो अच्छी स्थिति के कारण इसको क्या लिखता 1/4π0 के पी अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मान के चलो इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर पी कॉस थीटा होता तो यही होता था पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कोई पूछता अगर विद्युत द्विध्रुव है इस बिंदु पर बताओ r दूरी पर तो क्या लिखता, तो जीरो लिखता क्योंकि ये निरक्षी स्थिति हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग, है ना। अब चलते हैं प्रश्न पे, तो प्रश्न को समझिएगा। ये मैंने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया है, ठीक है, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O। हमें विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर या r दूरी पर किसी भी बिंदु P पर, मैंने मान लिया ये बिंदु P पर, इस बिंदु पर मुझे विद्युत विभव की गणना करनी है। क्लियर, फिर से बोल रहा हूँ प्रश्न, वो कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके पास स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो मैंने मान लिया इस बिंदु P की द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी r है और ये थीटा डिग्री का कोण बना रहा है द्विध्रुव की अक्ष से। क्लियर, तो चलो शुरुआत करते हैं। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हम सब लोग जानते हैं ऋण से धन की ओर होती है, ऋण से धन की ओर, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया पी वेक्टर, द्विध्रुव को मैंने नाम दे दिया ए बी, ठीक है। अब ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये किसी न किसी का परिणाम ही है, किस किस का, इसका और इसका। अब आप बताओ ये पी है ये थीटा है तो ये क्या हो गया पी कॉस थीटा और ये क्या हो गया पी साइन थीटा। क्लियर, अब बताओ द्विध्रुव आघूर्ण इधर की तरफ आ रहा है यानी कहीं ना कहीं हम इसे एक द्विध्रुव मान सकते हैं। बोलो भैया क्या मान सकते हैं, द्विध्रुव मान सकते हैं। तो इस द्विध्रुव के कारण ये बिंदु P कौन सी स्थिति में हो गया, अच्छी स्थिति में हो गया, है ना, सही बोल रहा हूँ ना। तो आप गौर से देखिए, अच्छा एक द्विध्रुव ये हो गया तो इस द्विध्रुव को P साइन थीटा को मैं ऐसे मान लूँ, इस द्विध्रुव के कारण ये बिंदु कौन सी स्थिति में हो गया निरक्षी स्थिति में हो गया। तो इस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा एक P कॉस थीटा विद्युत द्विध्रुव के कारण एक P साइन थीटा विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो बिंदु P पर जो विभव होगा एक P कॉस थीटा विद्युत द्विध्रुव के कारण यानी इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर, है ना, और दूसरा जो विद्युत विभव होगा वो इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर होगा यानी P साइन थीटा की वजह से। तो आप गौर से देखिएगा पी साइन थीटा ये द्विध्रुव ऐसा है और इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, ये कौन सी स्थिति में हो गया निरक्षी स्थिति में हो गया, है ना, तो पी साइन थीटा की वजह से विभव हो गया जीरो। अब इसकी बात करते हैं इस पी कॉस थीटा ये विद्युत विध्रुव ऐसे है इसके कारण ये बिंदु पी है, तो ये अच्छी स्थिति में हो गया। तो अच्छी स्थिति में हमने सूत्र पढ़ा था 1/4π0 के पी की जगह अब क्या लिखूंगा पी कॉस थीटा अपॉन दूरी कितनी है इसकी आर, तो आर स्क्वायर। तो बिंदु पी पर हमारा जो विभव आ गया वो आ गया 1/4π0 के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जीरो लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग, पढ़ लो फिर आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है आवेश चालक की ऊर्जा से आप क्या समझते हैं या चालक की स्थिति की ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो सुने भैया, ये आपके नोट्सों में मैंने लिखा दिया था, क्लास में पढ़ा दिया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। ये पहले मैंने क्रॉस लगवाया था, ये नोट्सों में है अवेलेबल, पर पहले मैंने क्रॉस लगवा दिया था फिर बाद में इसे करवाया भी है, मैंने क्लास में करवा दिया है ना। ये चालक है, अगर मैं इस चालक को कोई आवेश नहीं दे रहा हूँ तो इस पे विभव कितना होगा, हाँ शून्य। लेकिन जैसे ही मैंने इस चालक को आवेश दिया, सपोज करो मैंने इसे प्लस क्यू आवेश दिया, तो इस पे विभव बढ़ के कितना हो जाएगा वी। क्लियर है, तो इस चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है, क्लियर, इस चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है उसे इस चालक की स्थिति ऊर्जा कहते हैं, या किसी संधारित्र को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो स्थिति ऊर्जा काय के बराबर हुई, कार्य के बराबर, कार्य W बराबर हमने बचपन में पढ़ा था क्यों बे क्यू वी, क्यू यहाँ पर आवेश है, वी विभव है, विभव के यहाँ दो दो मान है, आवेश देने से पहले विभव जीरो था
देने के बाद वी हो गया, तो विभव कितना हो गया, दो दो विभव है, तो इसको मैं ले लूंगा औसत विभव, औसत विभव। तो यू बराबर आवेश हो गया क्यू, औसत विभव हो गया जीरो प्लस वी अपॉन टू, तो ये हो जाएगा यू बराबर क्यू, जीरो प्लस वी, वी रहेगा अपॉन टू, तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ यू बराबर हाफ क्यू वी। बोलो भैया आगे बढ़ते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था क्यू बराबर सी वी, तो क्यू की जगह सी वी रखोगे, तो क्यू की जगह सी वी रखा, ये वी एज इट इज अपॉन टू, तो यू बराबर देखो बटे टू को ऐसे लिख दूँ अलग से, एक बटे दो सी वी इन टू वी वी स्क्वायर सी वी, ये भी अपने आप में एक सूत्र आ गया, क्लियर। और देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। और आगे देखिए, हमने पढ़ा है क्यू बराबर सी वी, तो C को नीचे ले आऊँगा तो Q अपॉन C बराबर V भी लिखा जा सकता है, तो V की जगह Q अपॉन C रख रहा हूँ, तो U बराबर हाफ C, V की जगह Q अपॉन C रखूँगा, स्क्वायर है तो Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, C से स्क्वायर कट गया, तो U बराबर आपका आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2C, क्लियर है। U बराबर हमारा आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2C। तीन तीन सूत्र आ गए आपके पास स्थिति जुट जाके, एक ये एक ये एक ये, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग, देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद चैप्टर फाइव में हमारा एक क्वेश्चन है, चुंबकत्व में गॉस का नियम बताइए, चुंबकत्व में गॉस का नियम बताइए। इससे पहले कि मैं चुंबकत्व में गॉस का नियम बताऊं, मैं कुछ पुराना याद दिलाना चाहता हूं। चैप्टर वन पढ़ा था गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का एक बटे एप्सिलॉन जीरो गुना होता था, याद है आपको, है ना। बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का एक बटे एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। अब आप मुझे बताओ, ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये विद्युत द्विध्रुव रखा है। आप कोई पूछे कि इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो भैया कितना होगा आप बताओ, तो भैया सिग्मा क्यू कुल आवेश होता है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों आवेश बराबर है, विपरीत प्रकृति के हैं, तो इसका मतलब कुल आवेश जीरो हो गया। अब जीरो के नीचे कुछ भी बना रहे, आंसर कितना आएगा, जीरो, यस और नो। अब इसी बात को अगर मैं ऐसे बोल दूं कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर चुंबक रखा है, चुंबकत्व में गॉस का नियम बता रहा हूं, चुंबक रखा है, आपको याद है विद्युत फ्लक्स के प्रकार पढ़े थे आपने, विद्युत फ्लक्स के प्रकार में आपने पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स एक ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। जब विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर जाती हैं तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता था, और जब विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ के बाहर जाती हैं तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स होता था। तो गौर से देखिएगा, जैसे ये धनावेश है ये ऋणावेश है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकली और ऋणावेश की तरफ आई, तो गौर से देखिए विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं और ऐसे आ रही हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, विद्युत फ्लक्स क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो यहाँ विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा और यहाँ से अंदर आ रहा है, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, यहां से अंदर आ रहा है, तो ये विद्युत फ्लक्स कैसा हो जाएगा भाई, यहां से बाहर निकला विद्युत फ्लक्स, तो हमने पढ़ा था बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कैसा होता है, धनात्मक, और यहां से अंदर आ रहा है तो ये ऋणात्मक, धन ऋण मिलके कितना हो गया, जीरो, क्योंकि जितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही है उतनी अंदर आ रही है यहां पर, यस और नो। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर गौर से देखिएगा, जैसे यहां पर कुल आवेश होता था, अब यहां पर देखो उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर आकर समाप्त होती हैं, तो यहां से जितनी बाहर निकल रही हैं उतनी यहां से अंदर आ रही हैं, क्लियर। तो इससे ये बात साबित होती है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, यही गॉस का नियम है। ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे आपसे, लेकिन कोई पूछे चुंबकत्व में गॉस का नियम बताइए, तो इसे दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तरीका, गॉस चुंबकत्व में गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, क्लियर। फिर से बोल रहा हूं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, या तो ऐसे लिख दो या फिर आप इसे ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, ये और ये कोई अलग बात नहीं, आप देखो थोड़ा सा इसे डिटेल में समझते हैं। ऐसे बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये बी डी ए कॉस थीटा लिखाओ, बोलो भैया, है ना। और बी डी ए कॉस थीटा काय के बराबर होता है, हमने पढ़ा है डी फाई के बराबर होता है, बोलो भैया, और समाकलन डी फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, तो यही तो बोला था मैंने, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, बात एक ही है। इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको समझने के लिए आप ये समझो,
आपको याद है एम्पियर का परपथी नियम, एम्पियर के परपथी नियम आपने ऐसे लिखा था, क्लियर है? तो आपने बोला था ये लगाए तो किसी बंद परपथ में चुंबकीय क्षेत्र का लंबाई, लंबाई रेखा की होती है तो रेखीय समाकलन है ना, किसी बंद परपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है ना, म्यू जीरो गुना होता है बंद परपथ के अंदर उपस्थित कुल धारा का, पढ़ा था ना एम्पियर के परपथी नियम में। मेरा इंटेंशन इसको समझाना है, किसी बंद परपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यहां पर इसको क्या बोलेंगे, किसी बंद परपथ में चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल आ रहा है ना, क्षेत्रफल को डीए वेक्टर भी लिखते हैं कुछ लोग है ना, इसे ऐसे भी लिख देते हैं बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, तो एस यहाँ क्षेत्रफल ही है, क्लियर है? तो क्या बोलेंगे, चुंबकत्व में गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद परपथ में चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन सदैव शून्य होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उतना लिख दिया, पर्याप्त है। कोई पूछे चुंबकत्व में गॉस के नियम को समझाइए, तो हम लिखेंगे चुंबकत्व में गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद परपथ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, या तो ये लिख देना अथवा ये वाला लिख देना, क्या, किसी बंद परपथ में चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन सदैव शून्य होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, इससे कुछ बातें सिद्ध भी हो जाती हैं। ये शून्य आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि चुंबक के अंदर सदैव दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव से रेखाएं निकलती हैं दूसरी ध्रुव पर आ जाती हैं, तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि चुंबक जो होता है उसमें एक अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एक अकेला ध्रुव होता तो फिर ये चुंबकीय फ्लक्स शून्य नहीं होता, यस और नो, है ना? तो एक अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, और इससे ये बात भी सिद्ध होती है कि चुंबक के अंदर सदैव दो ध्रुव होते हैं, दोनों की ध्रुव प्रबलताएं समान होती हैं, तभी तो जितनी रेखाएं यहाँ से निकलती हैं उतनी यहाँ पर आती हैं, क्लियर है? खैर, आप तो केवल गॉस के नियम में, चुंबकत्व में गॉस के नियम में इतना लिख देना कि चुंबकत्व में गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद प्रश से होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, ये वाला लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, सॉरी बंद पृष्ठ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन सदैव शून्य होता है, एक ही बात है, क्लियर? पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चैप्टर 6 का एक क्वेश्चन है जो मैंने क्रॉस लगवा दिया था, वो करना है। कुंडली में संचित ऊर्जा की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। जैसे ये कोई एक कुंडली है, इसमें धारा बह रही है, ठीक है, थोड़ी सी देर में मैंने धारा को I से बढ़ाकर I प्लस डी आई कर दिया, यानी धारा का मान कितना बढ़ाया, डी आई बढ़ाया, और डी आई धारा बढ़ाने में मुझे डी टी समय लगा, राइट? तो ऐसी स्थिति में कुंडली के अंदर कितनी ऊर्जा संचित हो जाएगी, तो कुंडली में ऊर्जा संचित करने के लिए मुझे बैटरी द्वारा कार्य करना पड़ रहा है, तो कार्य का सूत्र पढ़ा था हमने, W बराबर क्यों बी, याद आ रहा है, डी डब्ल्यू बराबर क्यू बी, बोलो भैया, डी डब्ल्यू बराबर क्यू बी पढ़ा था अपन ने, ये ऐसे लिख लो डी डब्ल्यू बराबर क्यू बी, क्लियर है? आगे देखते हैं, डी डब्ल्यू बराबर, आपको याद है क्यू बराबर आई टी, तो आई टी हो गया डी टी, ई बराबर हमने पढ़ा था लड़ी थी, एल डी आई अपॉन डी टी, याद आ रहा है सीन, क्लियर है? तो ये आ गया हमारा, डी टी से डी टी कट गया, डी डब्ल्यू बराबर एल आई डी आई, ठीक है, टोटल निकालने के लिए दोनों तरफ समाकलन कर दिया, समाकलन डी डब्ल्यू डब्ल्यू आई के सापेक्ष कर रहे हो तो आई को छोड़ देंगे, बचा कुचा सब बाहर, एल बाहर फेंका, आई डी आई, आई पे घात कुछ नहीं है तो एक, तो डब्ल्यू बराबर एल, इसको सॉल्व करेंगे तो समाकलन एक्स पे घात एन डी एक्स बराबर हमने पढ़ा था एक्स पे घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा आई की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो W बराबर आपका हो गया L I, एक और एक दो बटे दो, तो W बराबर इसे ऐसे लिख सकता हूँ हाफ एल आई स्क्वायर, क्लियर है? वैसे तो ये यहाँ खत्म हो गया, पर फिर भी और भी सूत्र निकाल सकते हैं, ये वो याल जैसा है, संधारित्र में संचित ऊर्जा वाला है ना, उसी जैसा मिलता जुलता है, हाफ एल आई स्क्वायर को L I स्क्वायर को मैंने लिख दिया I इंटू आई, तो W बराबर हाफ, ये क्वेश्चन आपके नोट्सों में हो रहा है, क्रॉस लगा हुआ उसमें, पर कर लेना आप, एल आई, एल आई को क्या लिख सकता हूँ, फाई फाई बराबर एल आई, आई लाई पढ़ा था ना आई एस, ये भी अपने आप एक सूत्र बन गया, और आगे बढ़ाना है, डब्ल्यू बराबर हाफ, हमें मालूम है बचपन में पढ़ा था हमने फाइल आई, फाई बराबर एल आई, यस और नो,
एल को नीचे लाऊंगा तो फाइव अपॉन एल बराबर क्या हो जाएगा हाई, बोलो भैया। तो आई की जगह फाइव अपॉन एल रख रहा हूँ, तो आई की जगह फाइव अपॉन एल, तो डब्ल्यू बराबर हमारा हो गया फाइव इंटू फाइव फाइव स्क्वायर अपॉन टू एल। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का हो गया होगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है प्रकाशिक तंतु, चैप्टर नाइन से है, ठीक है। पढ़ लेना रीडिंग, बाई चांस कोई ओटी वोटी इसमें से बन जाए तो, है ना। लिसन, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु कुछ नहीं होता, तार होता है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नलों को चाहे जितने टेढ़े मेढ़े मार्ग से बिना उसकी कोई ऊर्जा में छे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, क्लियर। तो प्रकाशिक तंतु क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। फिर से बोला, आपने डिक्स का तार देखा होगा, डिक्स का तार कभी छील के देखा हो तो बस वही है, सबसे ऊपर प्लास्टिक लगी रहती है। जैसे आपने घरों में बिजली के तार लगे रहते हैं तो ऊपर प्लास्टिक लगी रहती है जिससे तुम्हें करंट वगैरह ना लगे, तो सबसे ऊपरी लेयर जो होती है उसे प्लास्टिक जैकेट बोलते हैं, जो क्या होता है अंदर जो तार लगा होता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है और बाहरी चीज़ों से भी हमको सुरक्षा प्रदान करता है, प्लास्टिक की जो जैकेट होती है ऊपर से, है ना। अब सुनते हैं प्रकाशिक तंतु के जरिए क्या करते हैं हम लोग। फिर बोल रहा हूँ, प्रकाश सिग्नलों को चाहे जितने टेढ़े मेढ़े मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है बिना ऊर्जा में क्षय हुए, क्लियर। प्रकाशिक तंतु में क्या क्या होता है गौर से सुनिए। इसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रीय क्रोड। क्या बोलते हैं? केंद्रीय क्रोड। ये कांच की एक नली होती है जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.5 मान लो, कितना होता है 1.5 होता है, क्लियर, केंद्रीय क्रोड। इसका जो व्यास होता है वो चार माइक्रोमीटर से पाँच माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक का होता है। कितना होता है? चार माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक का इसका आकार होता है। इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रीय क्रोड। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रीय क्रोड, यहाँ लिख देता हूँ केंद्रीय क्रोड। इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं परिनिधान। क्या बोलते हैं? परिनिधान। परिनिधान का जो अपवर्तनांक होता है वो म्यू टू है। ये जो अपवर्तनांक होता है परिनिधान का वो केंद्रीय क्रोड के अपवर्तनांक से थोड़ा सा कम होता है। जैसे ये 1.5 है तो ये 1.4 1.3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे कम होगा, क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ओटी वगैरह में पूछ सकता है। परिनिधान का अपवर्तनांक केंद्रीय क्रोड के अपवर्तनांक से तो कम होता है, क्लियर है, या केंद्रीय क्रोड का अपवर्तनांक परिनिधान के अपवर्तनांक से अधिक होता है। अब चूंकि इसका अपवर्तनांक अधिक है केंद्रीय क्रोड का, तो ये सघन माध्यम हो जाएगा और ये इसका अपवर्तनांक कम है इसलिए ये विरल माध्यम हो जाएगा, क्लियर। ये परिनिधान होता है, परिनिधान जो होता है वो केंद्रीय क्रोड के ऊपर होता है। इसकी जो आंतरिक त्रिज्या होती है वो 100 माइक्रोमीटर होती है और जो बाहरी त्रिज्या होती है वो 400 माइक्रोमीटर तक होती है, क्लियर है, क्लियर। 100 माइक्रोमीटर से लेके 400 माइक्रोमीटर तक होता है, क्लियर। अब इसके ऊपर परिनिधान के ऊपर एक तीसरी लेयर चढ़ी हुई होती है जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिक जैकेट। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक जैकेट। प्लास्टिक जैकेट जो होता है वो क्या करता है, इस पूरे आइटम को जो अंदर रखा हुआ है उसको बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाता है, क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक जैकेट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लास्टिक जैकेट। प्लास्टिक जैकेट का काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना, क्लियर है ना। ये तो मैं सामने से देख रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा चित्र नजर आ रहा है, अगर मैं इसे साइड में से देखूंगा तो मुझे ये गोल नजर आएगा, गोल है ना, तो किस टाइप का नजर आएगा वो बता रहा हूं। जैसे ये केंद्रीय क्रोड है तो केंद्रीय क्रोड मुझे ऐसी नजर आएगी, ऐसी, बोलो भैया, क्लियर। इसका जो व्यास होता है 5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ये क्या है हमारा? परिनिधान, बोलो भैया, परिनिधान। परिनिधान 100 माइक्रोमीटर से लेकर 400 माइक्रोमीटर तक का होता है। और ये क्या है हमारी? प्लास्टिक जैकेट। तो ये मैंने प्लास्टिक जैकेट, समझ में आ रही है, ये मैंने इसका साइड व्यू बनाया, जब ऐसे देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर। अब ये काम कैसे करता है इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको अलग से चित्र में दिखा रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ संरचना सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके क्रियाविधि पर आते हैं, फिर से बना रहा हूँ। ये केंद्रीय क्रोड, केंद्रीय क्रोड के ऊपर ये क्या आ गया? परिनिधान, परिनिधान के ऊपर ये क्या आ गया? प्लास्टिक जैकेट, क्लियर। अब इसका कार्यविधि समझिए,
ये ध्यान रखना, प्रकाशिक तंतु ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अब आप गौर से देखिए, यहाँ से कोई किरण आई, जैसे ये किरण आई हवा से आ रही है इस तार के अंदर, तो ऐसे करके अपवर्तित हो जाएगी। तो यही मैंने किया है, देखो जैसे ये कोई भी किरण आई ऐसे करके, तो ये अपने मार्ग से अपवर्तित हो गई। अब आप गौर से देखना, ये केंद्रीय रोड है ना, तो ये सघन माध्यम हो गया, इसके ऊपर ये परिनिधान है तो ये विरल माध्यम हो गया। तो हमने पूर्णांतरिक परावर्तन की परिभाषा पढ़ी थी, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से आती है और सघन और विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, तो ऐसी ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण का सघन और विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ से पूर्ण परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते थे, याद आ रहा है? तो वही है, देखो यहाँ से किरण आई इस पर, अब ये सघन और विरल माध्यम का ये सीमा पृष्ठ हो गया, यहाँ पर किरण पड़ी तो ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर ही हो गया अभिलंब, तो ये हो गया आपतन कोण। अगर इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से क्या होगा, पूर्ण परावर्तित हो जाएगी। पूर्ण परावर्तित होकर जब ये यहाँ पड़ी तो फिर ये आपतन बिंदु, ये अविलंब, अब ये सघन, ये विरल ही तो है, ये विरल, ये भी तो विरल ही है ना, परिनिधान वाला पार्ट है ये, तो सघन से विरल पे पड़ रही है, फिर ये आपतन कोण। अगर इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा तो फिर से ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित, फिर यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा और फाइनली किरण एक जगह से दूसरी जगह निकल जाएगी। क्लियर है? इसीलिए बोलते हैं कि प्रकाशिक तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या मैं उम्मीद करूँ हम लोग समझ गए? बोले भैया अच्छी बात है। प्रकाशिक तंतु का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रकाशिक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, प्रकाशिक यानी प्रकाश सिग्नल, क्लियर है, लाइट सिग्नल। तो प्रकाश सिग्नलों को एक जगह से दूसरी जगह चाहे जितने टेढ़े मेढ़े मार्ग से भेजा जा सकता है। शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, शरीर के आंतरिक भागों को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। विद्युत सिग्नल को भी हम इसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जैसे विद्युत सिग्नल पहुंचाना है तो यहाँ पर हम विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदल लेंगे, लाइट सिग्नल में बदल लेंगे, इधर पहुंचा देंगे तो यहाँ हमें लाइट सिग्नल मिलेगा, तो यहाँ पर वापस लाइट सिग्नल को काय में बदल देंगे, विद्युत सिग्नल में। तो इस तरीके से हम विद्युत सिग्नलों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। ये प्रकाशिक तंतु के लाभ हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, पढ़ लो फिर अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला है एक वेव वेक्टर। वेव वेक्टर को हम लोग बोलते हैं तरंग सदिश, याद रखना ये ओटी वोटी में बाई चांस पूछ ले, वेव वेक्टर या तरंग सदिश, तरंग सदिश का सूत्र होता है टूटा या पॉइंट लैम्डा। वेव वेक्टर या तरंग सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, के बराबर टू पाई अपॉन लैम्डा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा चैप्टर 11 से है। आप बताओ, पहले हमने पढ़ा है प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक निश्चित तरंग लंबाई की तरंग संलग्न रहती है जिसे डी ब्रॉगली तरंग या द्रव तरंग कहते हैं। बाई चांस कोई आपसे पूछ ले कि भैया ये बताओ, सामान्य जीवन में कोई भी पदार्थ जब गति करता है तो उससे तो हमें कोई तरंग अटैच नहीं दिखाई देती है ना, सामान्य जीवन में तो हमें कोई तरंग नहीं दिखाई देती, तो क्यों नहीं दिखाई देती, पूछ सकता है वो आपसे, है ना। तो क्यों नहीं दिखाई देती उसका कारण समझे, हमें मालूम है डी ब्रॉगली तरंग का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर हैप्पी एच अपॉन पी, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। बोलो भैया, अब डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। बोलो भैया, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो है वो कण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी अगर कण का द्रव्यमान कम होगा तो डी ब्रॉगली तरंग ज्यादा होगी क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, द्रव्यमान कम होगा तो तरंग लंबाई ज्यादा होगी, और अगर द्रव्यमान ज्यादा हुआ तो तरंग लंबाई कम होगी, है ना। अब कोई चीज़ हमें दिखाई कब देगी, तरंग लंबाई ज़्यादा होगी तो दिखाई देगी, तरंग लंबाई कम होगी तो नहीं दिखाई देगी। अब होता क्या है, हमने पढ़े थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो कण है इनका द्रव्यमान तो बहुत कम होता है, और चूंकि इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है इस वजह से इनसे संलग्न तरंग लंबाई बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई देती है, कौन सी, जो आवेशित कणों के साथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ दिखाई देती है। लेकिन दैनिक जीवन में हमें क्यों नहीं दिखाई देती, तो दैनिक जीवन में हम लोग जो कण इस्तेमाल करते हैं, जो भी पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, उनका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉनों प्रोटोनों की द्रव्यमान की तुलना में तो बहुत अधिक होता है, और चूंकि उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है इस वजह से उनसे संलग्न तरंग लंबाई बहुत कम होती है, और चूंकि तरंग लंबाई बहुत कम होती है तो इस वजह से वो हमें दिखाई नहीं देती है ना। पढ़ लीजिएगा आप समझ जाएंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी का किसी को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो संपर्क कर सकता है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।